फ्रेंड्स, मैं संजू भरतपुर राजस्थान से। मेरे चैनल संजू मिनी गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको एक अलग लिली दिखा रही हूँ। मुझे इसका नाम नहीं पता, आपको किसी को पता हो तो प्लीज़ बताएं कमेंट करके। ये देखिए, ये भी बारिशों में ही खिलती है। ये अली लिली भी, अगर इसकी सनलाइट की बात करें तो इसको सेमी शेड चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं। अगर धूप में रख रहे हैं तो सुबह के पास एक आध घंटे की धूप, बाकी शेड में ही रहती है ये। फ्रेंड्स, मुझे ये गिफ्ट में मिली थी किसी से, और जब मुझे मिली थी ना तो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल जैसे एमरल्ड लिली की होती है ना, तो काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी। तो उस टाइम मेरे सारे पॉट भरे हुए थे, मैंने एक छोटे से पॉट में इसको लगा दिया, तो जो लीव आई थी इसकी वो तो सूख गए। उसके बाद मैं इसमें पता नहीं छोटा पॉट रहा उसकी वजह से कि क्या, छोटी छोटी ये इस तरीके की लीव आई हैं। मैं सोच रही हूँ कि बारिशों में इसको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट करके देखूँगी तो शायद बड़े हो जाए। इसकी वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग में इसको नमी तो चाहिए, लेकिन मिट्टी सौगी नहीं होनी चाहिए कि भाई बिल्कुल एकदम मिट्टी में कीचड़ जैसी हो जाए। देखो, ये बहुत बुरी है मिट्टी मेरी, बिल्कुल देख ऐसी रहनी चाहिए, ना तो ज़्यादा कोई कीचड़ उचड़ होनी चाहिए इसमें, और ना बिल्कुल एकदम सूखी भी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा काफ़ी गमला पहले भर गया था, अब की बार हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जल्दी बढ़ गया था मार्च में, तो इसकी बहुत सारी बस यूँ मान लो कि बच गई है एकदम से, नहीं तो बिल्कुल जाए जा रही थी। ये बस थोड़ा सा बचा था ये पार्ट, अब इसमें इस साइड में निकले हैं ये सब चीज़। तो इसकी पॉटिंग मिक्स की बात करें तो 30% खाद और 40% मिट्टी और 30% इसमें रिवर्स एंड, वो उसमें अपन आधी सी चम्मच, बस थोड़ा सा छोटी वाली चम्मच फंगीसाइड वो डाल लेना, या नीम खली, दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं। और जब भी हम पॉटिंग मिक्स बनाएं तो उसमें बेसिक चीज़ होती है, जैसे अपन खाद में वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं या काउडंग कंपोस्ट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उसमें राख ज़रूर मिलाएं। उससे ये होता है, राख मतलब वुडैश, अब उसमें कंडे की भी हो सकती है या लकड़ी की हो तो ज़्यादा बेटर है, उसमें सारे वो मिलते हैं उसको। और इसमें बस यही डाला है, और ज़्यादा इसकी खाद की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मुझे लगता है, हो सकता है मेरे से इसमें कोई खाद वाद भी ज़्यादा हो गई हो, जैसे मैंने सब में डाला था तो इसमें भी डाल दिया। वैसे NPK बेटर रहता है इसके लिए, जैसे अपन फोलियर स्प्रे में NPK डाल दो, पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं उस वक्त मैं वो काउडंग या वर्मी कंपोस्ट वो सब डाल दो, बस 5-6 महीने में थोड़ा थोड़ा डालते रहो ये। और इसकी प्रोपेगेशन की बात करें तो इसको जैसे ये है तो अपन साइड से, अभी इसमें ज़्यादा हुई नहीं है ये, अब मैं तो नहीं निकालूंगी इसमें से, बाकी जैसे ये बल्ब निकलते रहते हैं इसमें यूँ, जैसे इसको साइड से, जैसे अपन स्पाइडर प्लांट का करते हैं, एस्पेरेगस लिली है उसका, फर्न का करते हैं, या लिली की जो और वेराइटीज़ में करते हैं, ऐसे ही इसमें से यूँ साइड से इसको कट करके इसको निकाल लो और लगा दो। मेरे पास ऐसी ही आई थी, मैंने ऐसे ही लगाई थी। और फ्रेंड्स, कुछ रह गया हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट करके। और खुशबू इसकी इतनी, इसके फ्लावर का जो खिलने का टाइम होता है ना, ये शाम के टाइम खिलते हैं, और सुबह ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक, अगर टेम्परेचर अच्छा है ठंडा के तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक इतना खिलेंगे। और फ्रेग्रेंस इतनी इसकी इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। देखो इसका डिज़ाइन भी देखो, ये अंदर ये ऐसे गोल गोल, देखो ये इसको, ये ऐसे एकदम बैलून सा बना हुआ है और ऊपर ये लीफ है, बहुत सुंदर प्लांट है। लेकिन पर मुझे इसका नाम नहीं पता, किसी को नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। थैंक यू फ्रेंड्स।